हेलो, आप सब कैसे हैं? आज फिर मैं अपने नए ब्लॉग के साथ आई हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ पत्ता गोभी आलू और मटर की सब्जी। चलो शुरू करते हैं कि कैसे बनती है। ये देखिए, 1 किलो मैंने पत्ता गोभी ले ली थी और उनको अच्छी तरह बारीक बारीक काट लिया है। और ये देखिए, मैंने पावर मटर के दाने ले लिए हैं और मैंने पावर आलू काटे हैं। देखिए, 2 प्याज और 1 लहसुन मैंने दोनों को मिक्स करके पीस लिया है अच्छी तरह। ये देखिए, मैंने 1 चम्मच हल्दी ले ली है। मैं ले रही हूँ 1 चम्मच मिर्च और 1.5 चम्मच मैं ले रही हूँ नमक और 1 चम्मच ले रही हूँ मैं धनिया। ये देखिए, मैंने 4 टमाटर काट लिए हैं और 3-4 मैंने हरी मिर्ची काट ली है। ये देखिए, मैं इसमें 2 चम्मच तेल डाल रही हूँ। ये देखिए, मेरा तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा जीरा। ये देखिए, जो मैंने मसाला तैयार करा था वो डाल लेंगे। मैं भून लूंगी मसाला। जब मेरा मसाला भुन जाएगा तो मैं आपको दिखाऊंगी मेरा मसाला कैसा भुना है। ये देखिए कि मेरा अच्छी तरह मेरा मसाला भुन चुका है। अब मैं इसमें डाल दूँ टमाटर और हरी मिर्च। अब मैं इनको बिल्कुल गलाऊंगी। जब ये भुन जाएंगे फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे भुने हैं। ये देखिए कितनी अच्छी तरह मेरा मसाला भुन चुका है। और ये देखिए कितना साइडों में तेल भी छोड़ दिया है मसाले का। अब मैं इसमें डाल रही हूँ पत्ता गोभी। मेरी पत्ता गोभी गल चुकी है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ मटर और अब मैं इसमें डाल रही हूँ आलू और अब मिक्स करके मैं सारी सब्जी में 3-4 सीटी लगाऊंगी। मेरी 15 मिनट में सब्जी बन जाएगी। जब मेरी सब्जी बन जाएगी फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसी बनी है। ये देखिए, मेरी सब्जी अच्छी तरह बिल्कुल बन के तैयार हो चुकी है। ये देखिए कैसी है, अच्छी लग रही है, भुनमा भुनमा बिल्कुल। और साइडों में उसने तेल भी छोड़ दिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ हरा धनिया, क्योंकि इसमें हरा धनिया बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत ही मज़े का लगता है। आप भी अपने घर में एक बार ज़रूर ऐसे ज़रूर ट्राई करना। ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है मेरी सब्जी बनके, बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर भी जरूर करना और लाइक भी जरूर ही करना।